allow the flow of positive energy to enter into all aspects of your life, stability into your relationships, prosperity into your business, and peace into your home. Balance the five elements of nature. Follow the principles of Vastu Shastra. Visit divinevastu.net. Reva Kumar, your Vastu Shastra specialist. Please remember that any remedy, suggestion, data, interpretation, prediction or information in any form during this radio show based on ancient Indian architectural science or Vastu Shastra should not be treated as substitute for advice or treatment you would normally receive from medical professionals, financial advisors, legal consultants and other such licensed services. जी हाँ, ये बात तो बहुत ही सही है कि जगत में समय बड़ा बलवान है और इसी तरह से समय को ध्यान में रखते हुए चलिए आपको लेके आज चलते हैं एक बहुत ही अमेजिंग डिवाइन वर्ल्ड ऑफ वास्तु में, जहां पे सारे के सारे दिशाएं सही दिशाएं हैं और इसीलिए तो आपकी जिंदगी में सही दशा भी आने वाली है और ये काम कोई और नहीं आपके लिए करने वाली है हमारे बहुत ही प्यारे वेरी एक्सपीरियंस्ड एंड नॉलेजेबल डिवाइन वास्तु कंसल्टेंट रेवा कुमार। अगर आप रेवा जी से बातें करना चाहते हैं, वास्तु के बारे में कोई भी सवाल आपके मन में है वो पूछना चाहते हैं, क्यों ना आप हमें स्टूडियो लाइन पे कॉल करें कुछ देर बाद। 5107701550 है हमारा नंबर। पर अगर आप रेवा जी के साथ एक पर्सनल अपॉइंटमेंट फिक्स करना चाहते हैं जो कि शायद आपका जो लाइफ है उसको बदल डालेगा, तो नंबर नोट कर लीजिए 5108683338। आप उन्हें ईमेल भी कर सकते हैं divineavc@gmail.com या फिर आप उनके बारे में और भी ज्यादा जानकारी पा सकते हैं बाय विजिटिंग divinevastu.net। वेल, रेवा जी और डिवाइन वास्तु, ये जो दो नाम है ना, ये शायद बहुत पहले से एक साथ जुड़ चुकी है और इसीलिए तो जब भी हम डिवाइन वास्तु के बारे में सोचते हैं, वास्तु के बारे में सोचते हैं, वी कैन नॉट थिंक एनी वन एल्स एंड इट विल ऑलवेज बी रेवा कुमार, द वंडरफुल पर्सन, एंड इट्स माय प्रिविलेज टू वेलकम हर इन हर शो द डिवाइन वर्ल्ड ऑफ वास्तु। रेवा जी, वेलकम टू योर शो। थैंक यू रिनी। नमस्कार लिसनर्स। जी हाँ, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। रिनी बड़े प्यार से जोड़ देती है हमारे को दिशाओं की तरफ, डायरेक्शंस की तरफ, क्योंकि ये डायरेक्शंस जैसे कि अभी कह रहे थे कि समय बड़ा बलवान। जी हाँ, समय ही तो बलवान है। समय से ही अगर हम डायरेक्शंस के बारे समझ जाएं तो इसी समय से ही हम सब कुछ अच्छा पा सकते हैं। और कहीं पे आप सोच रहे हैं कि आज समय सही नहीं है, कल सही था, तो जरूर कहीं ना कहीं आप जानेंगे कि कल जब समय सही था उस समय डायरेक्शंस का कहां पे हमारी जिंदगी में असर था, इन फाइव एलिमेंट्स का क्या असर था, और आज अगर समय है तो क्या कहीं इन एलिमेंट्स में कमी तो नहीं है, क्या कहीं हम किसी ऐसी डायरेक्शन की तरफ नहीं है कि जो इन एलिमेंट से रिलेटेड हमारे को पॉजिटिव एनर्जी ना मिल रही हो। आपको ये फाइव एलिमेंट्स बिल्कुल पॉजिटिविटी देते हैं, लेकिन वो क्या अपनी अपनी जगह पर है कि नहीं, ये आपने जरूर ध्यान देना है। रेवा जी, हमारे लिसनर हमेशा यही सोचते आए हैं कि वास्तु जो है वो बस अपने घर के बारे में है, पर सभी को ये भी कहना चाहूंगी कि वास्तु जो है वो यूनिवर्स में आप कहीं पे भी ले लीजिए, सारे के सारे जो जगह है, जो घर है, जो परिवार है, इवन हम हैं, हमारे एक ना एक साइड तो होते ही है। और अगर कोई भी साइड्स के बारे में आप बात करें, कोई भी दिशा के बारे में बात करें, तो वास्तु से आप कैसे मुंह फेर सकते हैं। और इसीलिए तो अगर आपके लाइफ में रिलेशनशिप को लेके प्रॉब्लम है, अगर आपके लाइफ में कोई ऐसा है जिनसे आप शायद बहुत ज्यादा परेशान हैं, अगर आपके बिजनेस में बहुत ज्यादा घाटा है, अगर आपके घर में सब कुछ सही नहीं चल रहा है, एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज रिलेटेड टू वास्तु। और इसीलिए तो वास्तु रिलेटेड कोई भी सवाल लेके आप रिवाज को कॉल करें 5108683338। अगर ऑन एयर आप बात करना चाहते हैं तो स्टूडियो लाइंस विल बी ओपन इन अ बिट 5107701550। रेवा जी, ये बताइए कि मुझे पता है कुछ ही दिनों में तो आप डॉक्टरेट बनने वाली है। कुछ ही दिनों में काउंट डाउन स्टार्ट कर दिया है ना। काउंट डाउन, यस, वी आर एक्चुअली डूइंग द काउंट डाउन। आई एम सो एंक्शियस फॉर दिस। यू आर, एंड वी आर आल्सो वेरी एंक्शियस। कहते हैं कि जब मैंने सही दिशाओं के साथ जुड़ी और दिशाओं को समझना शुरू किया ना, तभी से बस एक ही थी कि क्या
मैं सक्सेस होंगी, और मेरा एक ही था कि मुझे खूब पढ़ना है, खूब रिसर्च करना है, खूब लर्न करना है, खूब सीखा. और सीखा क्या, इट इज नॉट इजी. जो सीखा मैंने सब जगह पे विजिट करके, फ्रॉम लास्ट आप ये लगा लीजिए 30 इयर्स इस फील्ड में हूं, 23 इयर्स लगा लीजिए जिसमें मैं रेगुलर विजिट करती आई हूं, तो आप जान सकते हैं कि इस 23 साल में मैंने कितनी बिजनेस, कितने कॉरपोरेट ऑफिस, कितने घरों में कहां कहां नहीं विजिट किया. उन्हीं के द्वारा वही मेरी रिसर्च थी कि क्या वहां पे डायरेक्शन की कमी थी जिसको हम ठीक कर सकते थे, उसको रेक्टिफाई करके मुझे क्या मिला. इट इज नॉट ओनली वन हाउस आई विजिटेड, थाउजेंड्स ऑफ हाउसेज, उन सबका मैंने ब्यूरो अपनी रिसर्च में दिया कि येस आई विजिटेड दिस प्लेस. उस घर पे जाने से मुझे क्या नेगेटिविटी मिली, या उस कॉर्पोरेट ऑफिस में क्या कमी थी, उस बिजनेस में क्या कमी थी, यहां तक कि हमारे इंडिया के चाहे वो टेम्पल्स थे, चाहे वो वेल रिनाउंड जैसे ताजमहल है, कुछ भी जगह है, या कहीं पर अगर कोई एक्सीडेंट हुआ, इंसिडेंट हुआ, तो व्हाई इट हैज हैपेंड. तो हर चीज हमारी इन्हीं डायरेक्शंस को लेके मैंने स्टडीज करी, उनकी रिसर्च करी, और उन्हीं के बारे में ही मैंने मेंशन करके उसको आज इस जगह पे पहुंची हूं. दैट इज सो वंडरफुल. रिवा जी, एक सवाल जो आपसे मैं आज पूछना चाहूंगी वो ये है कि हम हमेशा बातें करते हैं और आप बताते हैं कि वास्तु जो है इट इज एक्चुअली अ साइंस. यस. तो आज एक साइंटिफिक नजरिया से आप हमारे लिसनर को बताइए कि आपने कभी बताया था कि वी शुड नॉट डू एनी वर्क अंडर द बीम और बार, तो इसमें साइंटिफिक साइड कहां पे है इसमें? हाँ, बहुत अच्छा सवाल कह रही. नहीं, बिकॉज ऑलवेज रिमेम्बर कि जो ये बीम हैं, ये बार्स हैं, दे आर होल्डिंग द वेट ऑफ द अपर फ्लोर, उस फ्लोर के वेट को होल्ड करके बैठी हैं. इट मीन्स दैट देर इज ए ट्रमेंडस वेट ऑन द बीम्स एंड बार्स, और जब ये वेट है दैट इज एक्टिंग ऑन द डाउनवर्ड डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ आवर ग्रेविटेशन को अगर आप लेती हैं, तो ग्रेविटेशन के लॉज के हिसाब से कि जो वेट वो डाउनवर्ड की तरफ आ रहा है, और यही ग्रेविटेशन फोर्स जो होती है नीचे, उस पे अगर आप काम कर रहे हैं या बैठे हैं, तो वो आपके लिए बहुत ही प्रॉब्लम्स लेकर आती है. ड्यू टू दिस ग्रेविटेशनल फोर्स पर्सन फील्स अनइजी, जो काम कर रहे हैं आप सीधे ठीक तरह से काम नहीं कर पाएंगे, वर्क आपका जो सही नहीं चलेगा. रात को अगर आप उसके बीम के नीचे सो रहे हैं तो आप उसके अंडर, बीम के अंडर आपके आपकी बॉडी आती है, तो उससे क्या हो जाएगा कि आपकी बॉडी में या कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, डिजीज से कई बार आ जाते हैं, हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं जो हमने नोटिस किया. साथ ही साथ अगर हमारे मेन एंट्रेंस जिसको आप कह सकते हैं बीम के अंडर आती है, तो वहां पे तो बहुत ही नेगेटिविटी है. यहां तक कि मैं बच्चों को भी कभी एडवाइस नहीं करती कि दे शुड सिट अंडर द बीम वाइल स्टडिंग और वाइल स्लीपिंग, दे शुड बी अंडर द बीम्स. अगर आप कभी ये देखें कि अगर आपका कोई इलेक्ट्रॉनिक्स भी लिसनर्स अगर बीम के नीचे है, कि जैसे कि कंप्यूटर अगर आपका बीम के नीचे है, विद इन अ फ्यू डेज आप देखिए कि कैसे पता चलेगा कि आपका कंप्यूटर या आपकी वो भी इलेक्ट्रॉनिक चीज खराब हो गई है, कि वो ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी स्ट्रांग होती है. यू नो, बहुत ही अमेजिंग बात है. और जिस तरह से आपने एक्सप्लेन किया रिवा जी, आप तो मानना ही पड़ेगा कि वास्तु इज साइंस. दिस इज अ साइंस, इट इज टोटली साइंस. अगर हम इसको आर्किटेक्ट, इंडियन एंशिएंट आर्किटेक्ट साइंस है, लेकिन अगर आप ये साइंस है तो इस साइंस को समझिए. साइंस ये फाइव एलिमेंट से ही है. दिस इज ए प्रैक्टिकल, दिस इज ए रैशनल, दिस इज ए बिलीवेबल, दिस इज ए यूनिवर्सल. इट इज नथिंग लाइक दिस रोरिनी कि ये फॉर अ टाइम बींग आज ऐसी है. जी नहीं, अगर उस जगह के ऊपर में कोई प्रॉब्लम्स हैं या कहीं पे एलिमेंट्स हमारे बैलेंस नहीं है या डायरेक्शंस कहीं अच्छी है, या तो उसका फायदा नुकसान जो आज वहां रहने वाले को मिल रहा है, सेम ही अगर मैं जाऊंगी तो मुझे भी मिलेगा, चाहे वो पॉजिटिव एनर्जी है चाहे वो नेगेटिविटी है. यू नो लिसनर्स, यही कहना चाहूंगी कि थोड़ा सा सावधानी और ऑफकोर्स जिंदगी भर आसानी. थोड़ा सा सावधानी तो जिंदगी भर आसानी. रेवा जी, आज आपको परेशान करने का मन कर रहा है, क्या करूं? यो वेलकम, इट्स माय प्लेजर. मैं आज भी कुछ सामने बैठी हूँ. रेवा जी, ये बताइए कि एक बहुत ही दर्दनाक एक हमारे इंडिया में, आई स्टिल रिमेम्बर द भोपाल गैस चैम्बर में जो हुआ था, है ना? तो ये जो सारे चीजें होते हैं, इट वॉज नॉट अ नेचुरल कैलमिटी, इट वॉज सम
unfortunate event that people in Bhopal, they have suffered. 80 acres of land. Yeah. Exactly. तो ये बताइए कि वहां पे तो thousands of people they lost their lives in that Bhopal gas case. तो वहां पे क्या कोई कंस्ट्रक्शन फॉल्ट, आई मीन इफ यू नो देन ओनली यू कैन. हाँ बिल्कुल, बहुत ही अच्छा सवाल किया, क्योंकि एक्चुअली आई रिमेम्बर दैट वाज 80 एकर्स ऑफ लैंड की ये फैक्ट्री थी एंड इट वाज सिचुएटेड, इसका नाम था दैट वाज यूनियन कार्बाइड पेस्टिसाइड फैक्ट्री इट वॉज दैट. और जो इसकी एक्चुअली प्रॉब्लम क्या थी कि द शेप ऑफ द प्लॉट वॉज इरेगुलर. इसका जो साउथ और साउथ ईस्टर्न इस तरह से कटा हुआ था कि वो ईस्ट को बिल्कुल छोड़ा था एंड इट वाज एक्सटेंडेड टू दी साउथ ईस्ट कॉर्नर. अब साउथ ईस्ट की तरफ एक्सटेंड है, नेचुरली है फायर बढ़ेगी ही बढ़ेगी, फायर को ज्यादा जगह मिल रही है. अब इसका जो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर था, वेस्ट का जो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर था दैट वॉज ऑल्सो एक्सटेंडेड. कि कई बार कोई कह देता है जी नॉर्थ वेस्ट एक्सटेंडेड है तो फायदा होगा, जी नहीं, वो आपको और आपको लेकर आएगा प्रॉब्लम आपके लिए बिकॉज दैट इज रिलेटेड विद द एयर एलिमेंट. अब आप देखिए कि आपकी एयर भी एक्सटेंडेड है उस प्रॉपर्टी का, आपका साउथ ईस्ट फायर वाला भी एक्सटेंडेड है, तो क्या होगा, हवा और आग का, हवा का जोर चलेगा आग फैलेगी ही फैलेगी. इसमें कि दोनों डायरेक्शंस में हमारा एयर एलिमेंट भी बहुत ज्यादा है और वो भी आपका साउथ ईस्ट में फायर भी ज्यादा है. द सेम वे इसका द नॉर्थ ईस्ट एंड द नॉर्थ डायरेक्शन भी इस लॉट का बिल्कुल कटा हुआ था. दैट इज नॉट ऑस्पिशियस अकॉर्डिंग टू द वास्तु प्रिंसिपल्स. और सेकेंड, द मेन एंट्रेंस ऑफ द फैक्ट्री वो इज इन द साउथ ऑफ द साउथ वेस्ट पार्ट, जो इसकी मेन एंट्रेंस थी. और जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इस फैक्ट्री का रीजन था, जो फर्नेस थी दैट वॉज एट द सेंटर ऑफ द फैक्ट्री, जिसको हम बोलते हैं ना ब्रह्मस्थान, ब्रह्मस्थान पे इसकी जो फर्नेस थी ब्रह्मस्थान पे. तो अगर आप इसका साउथ फैक्ट्री का जो इसका स्टोरेज टैंक है और बोरिंग था, जो इसका जो स्टोरेज और बोरिंग दैट वॉज इन द साउथ वेस्ट, मतलब कि जो अर्थ के नीचे हम जिसको बोरिंग कहते हैं वहां पर इन्होंने अपना स्टोरेज टैंक डाला हुआ था. इट मीन्स कि ऑल पिट्स एंड वाटर वॉज इन द साउथ वेस्ट डायरेक्शन. और जो इसके पास रेलवे लाइन, मुझे अच्छी तरह याद है इसकी जो मैंने रिसर्च किया था, रेलवे लाइन भी जो इसकी हो रही थी, पास हो रही थी, वो नॉर्थ और ईस्ट की तरफ से जाके निकल रही थी. और जो इसकी शेप थी, लेवल इसका जो जा रहा था दैट वॉज फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ एंड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. मीन्स की साउथ और वेस्ट शुड बी एलिवेटेड, ये बिल्कुल रिवर्स था. तो इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज कंस्ट्रक्शन फॉल्ट्स द होल बिल्डिंग अगर आप देखेंगे वॉज अगेंस्ट द वास्तु शास्त्र. और जिसको कि कह सकते हैं ना कि इसकी जो इट कंटिन्यूड फॉर अ फ्यू ईयर्स एंड इट सेल्फ इट्स अ वंडर, बट द मेन रीजन इसका जो स्लोप था इन द ईस्ट अननेसेसरी, जिसको कह सकते हैं कि वाटर जो उसका था गलत जगह पे आ रहा था, कलेक्शन उसकी जो कर रही थी गलत जगह पे थी. तो ऑल टाइप्स ऑफ पेस्टिसाइड्स वर मेड देयर जहां पे होता था. तो अगर इसके तीन स्टोरेज टैंक्स, मुझे इसकी जो मैंने इसकी स्टडीज करी थी रिगार्डिंग इसके, तो देयर वर थ्री स्टोरेज टैंक्स वर देयर, दैट वॉज द नंबर 610, 611 एंड 619 वेयर एमआईसी वॉज स्टोर. तो जब ऑन December 3rd ये तीन जो स्टोरेज थे, यहां से ही जिसको आप कह सकते हैं कि मेजर जो प्रॉब्लम मैं बताना चाहती हूं, जो इसका लीक हुआ था स्टोरेज 610 वाज द लीक. ड्यू टू दिस पॉइजनस गैस मोर देन 2000 वर्कर्स डाइड एंड मोर देन 20,000 वर्कर्स वर इंजर्ड सीरियसली. ये इसका खास तरह, मैं अगर आप शेप को भी लेकर चलना चाहते हैं ना, तो मैं एक और चीज बताना चाहती हूं रिनी, कि जैसे कि ये भोपाल की अगर आप देखें, हमारा जो पार्लियामेंट हाउस है दिल्ली में, इंडिया का जो पार्लियामेंट हाउस है, इसकी जो शेप है दैट इज सर्कुलर इन शेप. तो तभी आप देखेंगे कि उस सर्कुलर होने की वजह से देर इज ए लॉट्स ऑफ डार्कनेस. दैट्स वाई देयर विल ऑलवेज बी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अमंग ऑल द पार्टीज. और अगर आप दूसरी तरफ देखें अमेरिका का व्हाइट हाउस, तो उसकी शेप है रेक्टेंगुलर. देयरफॉर कह सकते हैं कि यहां की जो पॉलिटिक्स है या यहां की जो प्रोग्रेस है, इससे लोग भी, दूसरी दुनिया के लोग भी ईर्ष्या करते हैं. मतलब दिस इज एनवायबल, लोग इतनी ग्रोथ है यहां पे बिकॉज द शेप मैटर्स लॉट. दिस इज द रीजन कि अगर आप भोपाल के इंसिडेंट को भी देखें, तो क्या दैट वॉज अ इरेगुलर शेप, दैट वॉज टोटली अगेंस्ट वास्तु. और अगर हमारा पार्लियामेंट का देखते हैं, उसका सर्कुलर शेप आता है. अगर आज हम अमेरिका का व्हाइट हाउस देते हैं, दैट इज ए प्रॉपर शेप अकॉर्डिंग टू वास्तु प्रिंसिपल, इट इज ए रेक्टेंगुलर. ओ माय गॉड, यू नो इसके बाद तो रिवा जी व्हाट कैन आई से, हमारे लिसनर्स को भी पक्का यकीन है दैट यू आर सो एक्सपर्ट, यू रिमेम्बर ऑल दिस फैक्ट्स. मुझे यू नो आई थॉट के ठीक है,
आज तो मैं आपको बोल्ड करने वाली हूँ। आपने मौका ही नहीं दिया मुझे। ऐसा होता है कि रिनी, जब आपने स्टडीज करी है, आपने रिसर्च किया है, तो हर चीज आपके दिमाग में होना चाहिए। कई बार अगर आज भी आप मेरे से, मैं उस बात में हमेशा भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ, आई क्रॉस माई फिंगर्स की अगर आप मेरे से 15 साल भी पहले मैंने किसी का विजिट किया, अगर आप मुझे एक बार अपना नाम बता देंगे, एक बार मुझे थोड़ा सा इतना बता देंगे कि मैं आपसे मैं कब मिली थी, इमीडिएटली मैं आपको बता सकती हूं कि आपका घर का डायरेक्शन क्या था, राइट में क्या था, लेफ्ट में क्या था, कहां जाके एंटर करके कहां है। मतलब कि अगेन आई डोंट हैव टू विजिट योर प्लेस कि क्या मैं दोबारा उस घर को देख के उसको रेक्टिफाई करूं। तो एक बार जो नक्शा दिमाग में आ जाता है या हम जो पढ़ लेते हैं, जो याद करते हैं, तो वो दिमाग में उतर जाता है। ओके, चलिए और एक सवाल आपके लिए। वेल, और सवाल, वैसे तो मुझे पता है कि हमारे लिसनर्स जो है वो बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, पर आज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए थोड़ा सा टाइम मेरे लिए, मेरे बहुत ही अजूबे सवाल के लिए। तो ये सवाल है, ये भी इंडिया से रिलेटेड है। हाँ, तो मैं जब आपके ये जो बातें मैं सुन रही थी, तो मुझे लगा चलो और एक सवाल पूछते हैं अबाउट द मोस्ट वंडरफुल कंस्ट्रक्शन इन इंडिया, जिनके बारे में इंडियंस तो छोड़ ही दो, वर्ल्ड में सब लोग उसे देखने के लिए दूर दूर से आ जाते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट ताजमहल। ओके, सो ये बताइए, ये जो ताजमहल जो है ये इतना फेमस है, इट इज यू नो वन ऑफ द वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, तो व्हाई इज इट लाइक, व्हाट इज इन द कंस्ट्रक्शन, इज देयर एनीथिंग दैट इट गॉट सो फेमस? ऑफ कोर्स इट इज बेस्ड ऑन द वास्तु प्रिंसिपल्स। क्या बात कर रहे हो, अच्छा एक्सप्लेन करो। यस ऑफ कोर्स, बिकॉज ताजमहल हैज फोर डोर्स, सॉरी, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। अगर आप इन डोर्स में से देखें, ईस्ट एंड द वेस्ट आर द सेम हाइट, मीनिंग एट द सेम लेवल फ्रॉम द ग्राउंड, इनका सेम लेवल आ रहा है, एंड द साउथ गेट इज हैविंग ए हायर लेवल देन द नॉर्थ गेट। इसका जो साउथ है वो हैवी है नॉर्थ से, लेकिन ईस्ट एंड वेस्ट आर हैविंग द सेम लेवल, एंड द नॉर्थ एंड द साउथ डायरेक्शन पासिस, मतलब कि जो इसकी एग्जैक्ट सेंटर अगर ले लेंगे, अगर हम काउंट करते हैं नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट, अगर ताजमहल का देखें तो वो सेंटर बिल्कुल एग्जैक्ट है। इट मीन्स कि जो मैग्नेटिक फील्ड जो पास हो रहा है सेंटर से, वो आपको प्रॉपर बैलेंस दे रहा है। साथ ही साथ जो इसकी रिवर यमुना फ्लो कर रही है, दैट इज द नॉर्थ साइड ऑफ द ताजमहल, नॉर्थ साइड ऑफ द, और बिल्डिंग जो इन्होंने पर्टिकुलर टाइप मार्बल से बनाई है, और इसकी जो हाइट है, डोम है, दैट इज ऑल अकॉर्डिंग टू वास्तु प्रिंसिपल्स। ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फोर्स, अगर आप इसका देखें, जो मेन एरिया, जो यूनिक एरिया हैज क्रिएट अराउंड द ताजमहल, तो आप यही कह सकते हैं कि जो इतनी पॉजिटिव इसकी अट्रैक्शन है, जो मैग्नेटिक पावर्स है, दिस इज ओनली टू अट्रैक्ट द स्पेक्टेटर्स फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड। वाह वाह वाह, इसीलिए तो मैं कहती हूँ, दैट्स व्हाई आई से कि 90 डिग्री होना चाहिए, एक्सटेंडेड नहीं, आपका एक्सटेंडेड है या डिप्रेस्ड है, एक्सेप्ट नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंशन, नथिंग शुड बी एक्सटेंडेड, दैट्स व्हाई कॉर्नर्स डिप्रेस, तो कई कॉर्नर्स नहीं होना चाहिए, स्पेशल कि साउथ और वेस्ट अगर आपका 90 डिग्री एंगल के ऊपर में है, या उसको आपने ब्लॉक किया है, एलिवेटेड है, तो फिर देखिए कि आपके जीवन का मजा, आप प्रॉस्पेरिटी, फेम, नेम, हेल्थ, वेल्थ, ईच एंड एवरीथिंग यू पीपल कैन गेट इट, क्योंकि यही आपको पांच तत्व, यही फाइव एलिमेंट्स, यही वास्तु साइंस आपको जीवन में हमेशा हर चीज देने में सहायता देती है। रिवा जी, इसके बाद तो मैंने आपको जो खिताब दिया था ना, एक वास्तु की विकिपीडिया, वो तो फिर से बोलेगा डील कर। वेल, चलिए लिसनर्स, आपको बहुत ज्यादा वेट तो मैंने करवा ही लिया है, फिर से अभी आपका वक्त है, और ये वक्त बहुत ही हसीन है, तो हमें कॉल कीजिए, रिवाजी से बातें कीजिए। 5107705050 है स्टूडियो लाइन्स, और अगर आप रिवाजी से एक पर्सनल अपॉइंटमेंट फिक्स करना चाहते हैं तो 5108683338 इसी के साथ ही साथ लेते आज के फर्स्ट कॉलर को। हेलो, यू आर लाइव ऑन एयर विथ रेवा कुमार। हेलो, हाँ जी बताएं। हेलो, हाँ जी, गो अहेड मैम। विच शो इज दिस, बिकॉज आई डोंट नो, आई वाज ट्राइंग फॉर सम अदर शो। ओके, दैट्स ऑल राइट, दिस इज द वास्तु शो, द डिवाइन वास्तु शो विथ रेवा कुमार। मे बी यू कैन जस्ट गेट अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट वास्तु इन दिस शो, तो अगर कोई भी वास्तु रिलेटेड अगर आपके पास सवाल है तो डेफिनेटली हमें कॉल कीजिए। हेलो, यू आर लाइव ऑन एयर विथ रेवा कुमार। हेलो जी, हाँ बताएं। हाँ,
रेवती नमस्कार। नमस्कार। अभी आपने थोड़ी देर पहले ये बताया था घड़ियों के बारे में, मैं एक चीज सुन नहीं पाई, क्या मैं पूछ सकती हूँ दोबारा? घड़ी के लिए हमने बताया था जिसमें रितेश कुमार जी से डिस्कस कर रहे थे कि घड़ी हमारे को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, या जैसे कि मैं इतना बताऊंगी कि घड़ियों को अगर आप बंद नहीं होने दें, अगर आपकी वॉल क्लॉक है या वॉचेस हैं, इट शुड बी ऑलवेज इन द रनिंग पोजीशन, नहीं तो आपका समय, आपके वक्त के लिए आपकी ग्रोथ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। वो समझ गई, पर आपने वॉल्स बताए थे किस वॉल पे मतलब घड़ी लगाना, आपको घड़ी और जो भी है अगर घड़ी लगाएं तो आपका साउथ वॉल छोड़कर अगर आप नॉर्थ वॉल पे ईस्ट और वेस्ट में लगाते हैं तो बेस्ट है, लेकिन कभी भी विंडो के ऊपर या एंट्रेंस डोर के ऊपर में या बेडरूम या रूम्स के डोर के ऊपर में नहीं लगाएं, खाली जगह पे नहीं लगाएं, सॉलिड वॉल पे लगाएं। मैं समझ ही नहीं पाई थी, तो मेरा मन था, मैंने कहा चलो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। और आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, 5107701550 है हमारा नंबर, एंड यू आर लिसनिंग टू द डिवाइन वर्ल्ड ऑफ वास्तु विथ डिवाइन वास्तु कंसल्टेंट रेवा कुमार, जहां पे हम वास्तु के बारे में बातें तो कर रहे हैं पर साथ ही साथ आपके दिल में जो भी सवाल है रिलेटेड टू वास्तु उसके बारे में भी बात करना चाहते हैं। 5107701550 लेते हैं अगले कॉलर। हेलो, यू आर लाइव ऑन एयर विद रेवा कुमार। हेलो ओके, आई थिंक योर रेडियो इज ऑन, प्लीज यहां पे कॉल करने से पहले अपना रेडियो का वॉल्यूम डाउन कर दीजिए, दैट विल बी रियली वंडरफुल। हेलो, यू आर लाइव ऑन एयर विद रेवा कुमार। आई जस्ट वांटेड टू आस्क रेवा जी, अभी आपने कहा कि द क्लॉक शुड नॉट बी ऑन द साउथ वॉल, इज दैट व्हाट यू जस्ट सेड? यस, इट शुड नॉट बी ऑन द साउथ वॉल। ओके, बट इट कैन बी ऑन एनी अदर वॉल, एनी अदर वॉल, नॉर्थ ईस्ट एंड द वेस्ट एक्सेप्ट द साउथ। रीजन इज दिस कि अगर हम इसको शास्त्रों के हिसाब से देखते हैं, अकॉर्डिंग टू वास्तु शास्त्र में भी देखें तो साउथ इज रिलेटेड विद जिसको हम लोग बोलते हैं यम एरिया, और अगर सन उसको सेटिंग का टाइम भी हम देते हैं, लेकिन वी शुड अवॉइड इट। अगर आप उठ रहे हैं तो आपको सामने ईस्ट, नॉर्थ या वेस्ट में मिलेगा, दैट विल हेल्प यू। ओके, थैंक यू, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। और आप भी हमें यहां पे कॉल कर सकते हैं 5107701550। स्टूडियो लाइन्स आर ओपन, अगर आप रीवा जी के साथ एक पर्सनल अपॉइंटमेंट फिक्स करना चाहते हैं तो उनका नंबर है 5108683338, या फिर आप उन्हें ईमेल करें divineavc@gmail.com। अगर आप रीवा जी के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो जरूर चेकआउट करें divinevastu.net। यू नो रीवा जी, ये बात सभी को बताना चाहूंगी कि काफी बार हम सोचते हैं कि वास्तु जो है अगर हम सब कुछ ठीक करना चाहते हैं तो वी हैव टू डू सम रीमॉडलिंग, तो डिवाइन वास्तु में शायद ऐसा नहीं होता है। जी नहीं, हम लोग आपके सामने में ऑप्शंस रखते हैं कि आप अगर चाहें तो आप इसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं या रिमॉडलिंग करना चाहते हैं। अगर आप रिमॉडलिंग नहीं करना चाहते तो देन बेटर टू शिफ्ट द एनर्जी, या उसको हम कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिवाइन टूल्स। डेफिनेटली, लेते हैं अगले कॉलर और इस बारे में बातें करेंगे इसके बाद। हेलो, यू आर लाइव ऑन एयर विद रीवा कुमार। Hi, Reva Kumar ji. I was listening that you said the wall clock should not be stopped. I have a one wall clock where there are 6-7 clocks, but I am only using clock in for India. So the rest of them I did not put sell. जी हाँ, उसको अवॉइड करिए, इट शुड बी इन द वर्किंग पोजिशन, ऑलवेज ट्राई टू अवॉइड दैट। सारों में क्यों, सारी कंट्रीज की वॉल है, बिल्कुल सही है उसको। हाँ जी, उसको वर्किंग पोजिशन में रखिए, बंद नहीं करिए आप, रखिए और देखिए इमीडिएटली कि आपकी अगर ग्रोथ में कहीं ऑब्स्ट्रक्शन है या कहीं किसी काम में आपके सोच रहे हैं कि देरी हो रही है, इमीडिएटली आप उसका पूरा फायदा पाएंगे। वो तो कोई खास ऐसा नहीं लगता मेरे को, कोई देरी हो रही है, आपकी कृपा सब टाइम पे हो रहा है। दैट्स वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड, और भी अच्छा होगा, आप जरूर लेने की कीजिए कोशिश। और एक चीज और मैं कहूंगा, जैसे आप पहले उनके साथ जी के साथ भी थे जी, तो थोड़ा सा लोगों को पहले बताइए कि थोड़ा अपने कर्मों को सुधारें, बाकी ये सारी चीजें करने के अलावा अगर वो अपने गलत कर्म करते रहेंगे तो तब
असर उतना नहीं होगा। बिल्कुल सही आपने कहा कि कर्म तो बहुत ही जरूरी है। अगर हमारे और कर्म हम तभी अच्छे करते हैं कि अगर कहीं, क्योंकि मैं एक चीज जरूर मानती हूँ कि अगर हम सही दिशाओं में रहते हैं, कहते हैं ना कि एक वक्त है, एक समय में दो पैदा होते हैं। ऐसा तो है नहीं कि समय में सिर्फ एक इंसान पैदा होता है, एक बहुत अच्छा है, एक बुरा। तो कहीं ना कहीं डायरेक्शंस या प्लैनेट्स इन सब चीजों के साथ जुड़े हैं। कई बार हमारे ग्रह ही हमारे को किसी गलत काम को करवा देते हैं या हमारे से गलत कर्म करवा देते हैं, लेकिन या कई बार हम गलत डायरेक्शन में हों तो भी गलत कर्म करा देते हैं। परंतु अपने कर्मों को सही करने के लिए कोशिश करिए, जानिए कि अपने अच्छे कर्म हम कैसे करें और उन कर्मों को अच्छा करके हमें क्या फायदा होगा। आप अपने परिवार परिवार के लिए ही फायदा करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल सर। लेते अगले कॉलर। हेलो, यू आर लाइव ऑन एयर विद रेवा कुमार। हाय रेवा जी, दिस इज सुचित्रा। नमस्कार जी। नमस्कार रेवा जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि हमारा रेंटेड हाउस है और उसमें जो टॉयलेट है, जो रेस्ट रूम है, वो नॉर्थ ईस्ट में है जी। उसका डोर जो है वो साउथ में ओपन होता है जी। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, नॉर्थ ईस्ट के बीच में अगर बाथरूम है तो साइंटिफिकली अगर देखेंगे तो हमारी एनर्जी स्टार्ट ही वहां से होती है, वो सारी ड्रेन आउट हो जाएगी। साथ साथ ही नॉर्थ ईस्ट इज रिलेटिव विद द जुपिटर प्लैनेट। अगर वहां पे टॉयलेट बाथरूम नहीं होगा तो बेस्ट रहेगा। अगर किसी वजह से आप उसको नहीं बंद कर सकती हैं, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का बाथरूम आपके लिए भी स्ट्रेस लेकर आता है, फीमेल्स के लिए, साथ में अगर आपका बेटा है तो उसको लिए भी कई बार प्रॉब्लम, स्टडीज में भी और वैसे भी प्रॉब्लम आती है। बेटर टू रेक्टिफाई इट, या अगर आप बंद करती हैं तो ठीक है, नहीं बंद कर सकते तो आप उसको डिवाइन टेक्निक से उसको प्रॉपर उसको कट ऑफ कर दीजिए ताकि उसकी नेगेटिविटी को खत्म कर सकें। साथ ही साथ वहां पे 3 बैम्बू स्टिक का चाइनीज प्लांट होता है, जो बैम्बू स्टिक्स का, उस पर लाल रिबन बांध के एक छोटा पैनी जो सेंट होता है, एक सेंट होता है कॉपर का, वो उसमें डाल दीजिए और बाथरूम के बीच में रखिए और सॉल्ट को रखने की कोशिश कीजिए। कई बार ऐसा भी होता है कि अगर आप नहीं रखना चाहते सॉल्ट या किसी वजह से, फिट करीब भी अगर आप रखेंगे और उसको देखिए कि कितनी जल्दी वो उसकी नेगेटिविटी को ऑब्जर्व करेगी। ओके ओके रेवा जी, थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम जी। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। और आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, 5107701550 है हमारा नंबर। यू नो, एक बार फिर से यही कहना चाहूंगी कि फोन पे हम जब सवाल पूछते रहते हैं तो एक ही सवाल पूछ पाते हैं, पर कभी कभी वो एक सवाल के पीछे दूसरा सवाल आ जाता है। बिल्कुल ऐसा होता है रिनी की, नहीं वो बात भी है। एक बार मुझे अभी भी याद है कि मैं रिसेंटली अभी कहीं विजिट करने गई थी और पहले कॉल लेते हैं, सारा कॉल की तरफ। हेलो, यू आर लाइव ऑन एयर विद रेवा कुमार। हे हाय, माय नेम इज कार्तिक एंड मैं अपने बीवी के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। शी इज लुकिंग आउट फॉर अ जॉब फॉर लाइक पास्ट 3 मंथ्स, सो जस्ट वांट टू नो व्हेन शी विल गेट अ जॉब। सी, अगर आप पूरा डिटेल्स में एस्ट्रोलॉजिकली जानते हैं तो यू कैन टॉक टू रितेश कुमार, 5109313107। लेकिन अगर आपको जॉब लेना चाहते हैं और कहीं नहीं मिल रहा, कब मिलेगी इसमें रितेश हेल्प करेंगे, लेकिन अगर कैसे मिलेगी उसमें मैं डायरेक्शंस के द्वारा आपको हेल्प कर सकती हूँ। अगर आप अपनी जॉब के लिए घर के नॉर्थ ईस्ट में बैठते हैं, नॉर्थ की तरफ फेस करके आप अप्लाई करते हैं और आपके पीछे साउथ की सॉलिड वॉल है, तो बहुत जल्दी अपॉर्चुनिटी आपको जॉब के लिए मिलेगी। ओके, थैंक यू सो मच कार्तिक फॉर योर कॉल। लेते अगले कॉलर। हेलो, यू आर लाइव ऑन एयर विद रेवा जी। हेलो रेवा जी, नमस्कार। मेरे दो क्वेश्चन है जी। हमारी किचन नॉर्थ ईस्ट में पड़ती है जी, तो उसके लिए वाटर इज ऑन नॉर्थ साइड एंड माई स्टोव इज ऑन ईस्ट साइड जी, इज इट ओके? देखिए, किचन नॉर्थ ईस्ट में वो गलत है, आप डायरेक्शंस को फेस कर रहे हैं, वाटर नॉर्थ में है, दैट इज गुड। वाइल कुकिंग फूड यू आर कुकिंग टुवर्ड्स, लुकिंग टुवर्ड्स द ईस्ट, दैट इज गुड। लेकिन वो घर के कॉर्नर जो नॉर्थ ईस्ट है, जिसके लिए मैं हमेशा मैं बोलती हूँ कि ये ओपन होना चाहिए, ये आपकी एनर्जी को खत्म कर देगा, यहाँ टॉयलेट होना जरूरी नहीं है। ये फिर मैं वही है कि ये फीमेल से आपसे जुड़ा हुआ कॉर्नर है नॉर्थ ईस्ट, आपको कई बार माइग्रेन की प्रॉब्लम उठ जाएगी, या आप मेहनत बहुत कर रही हैं, नहीं लेकर आते, रिजल्ट्स हमारे को गलत मिलते हैं, फैमिली की तरफ, आपके पेरेंटल फैमिली की तरफ से आपको अपना स्ट्रेस लेना शुरू कर देती है आप। तो इसके लिए आपको प्रॉपर देना है कि क्या इसको हम कैसे करें।
खाना बनाने में ईस्ट को फेस कर रही हैं, दैट्स ओके. नॉर्थ में वाटर है, दैट इज ओके. लेकिन नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर को रेक्टिफाई कीजिए. आप अगर इसी किचन को यूज करना चाहते हैं तो आप डिवाइन टूल ले सकते हैं, जिसके द्वारा ये एनर्जी शिफ्ट कर दी जाएगी साउथ ईस्ट कॉर्नर की तरफ और आप पूरा अपनी फायदा उठा सकते हैं. आपने लास्ट टाइम बताया था किसी को कि एक चांदी का तार के जी बिल्कुल, उनका चांदी का तार उनको बता दिया था कि जो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट की तरफ नॉर्थ की तरफ चूल्हा है वहां उस तरफ लेके खाना बना रहे हैं उनके लिए बताया गया था. ओके, पर लेकिन किचन मिडल में है, इन द मिडल मोस्ट ऑफ द टाइम इज इन द नॉर्थ, द होल किचन इज इन द नॉर्थ. इट मीन्स दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि आपके मिडल में है, नॉर्थ में है. यही अभी हम आपसे पहले मबीरिनी से यही बताना चाह रही थी कि पहले भी एक बार मेरे पास मैं भी रिसेंटली मैं एक अपने लिसनर के कॉलर क्लाइंट के पास में गई. उन्होंने मुझसे आज से एक साल पहले कहीं पे किसी जगह पे वो मिले और वो ड्रॉ करके लेकर आए फ्लोर प्लान और शी डिस्कस विद मी अकॉर्डिंग टू दैट फ्लोर प्लान, क्योंकि उसमें डायरेक्शंस उन्होंने दी थी एंड आई गेव हर द रेमेडीज. एक साल उनको और भी वर्स्ट हो गया एंड शी कॉल्ड मी कि रेवा जी आप मेरे घर आइए. जब मैं घर गई तो आप देखिए कि डायरेक्शंस बिल्कुल उल्टी हैं, मतलब कि वो मुझे अपने घर की एंट्रेंस दे रही हैं नॉर्थ से, जबकि वो साउथ वेस्ट से एंट्रेंस कर रही हैं. तो एंट्रेंस तो साउथ से है लेकिन जो किचन है एंड में जाके इट्स नेक्स्ट टू द बैकयार्ड. दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, नाउ यू आर सेइंग द एंट्रेंस इज फ्रॉम द नॉर्थ सॉरी साउथ. अब वो पूरी साउथ के 180 डिग्री से आप अंदर एंटर कर रही हैं या साउथ ईस्ट से कर रही हैं या साउथ वेस्ट से कर रही हैं, एक तो ये जरूर ध्यान दीजिए. फिर जब आप अंदर साउथ है दैट्स वेरी गुड. अब आप अंदर आ रही हैं तो अब आपको आते नॉर्थ ईस्ट में आपको किचन मिल गई. तो नॉर्थ ईस्ट में अगर किचन आएगी तो डियर क्या हो जाएगा कि जो साउथ की एंट्रेंस तो आपको करेगी करे, साथ ही साथ में आपको नॉर्थ ईस्ट की किचन भी परेशान कर देगी. तो मेरी आपसे यही एडवाइस है कि आप इसको प्रॉपर अच्छी तरह से कंसल्ट करें. लेट्स हैव अ कि कैसे इसको ठीक कर सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल रीवा जी. लेते हैं अगले कॉलर को. हेलो, यूर लाइव ऑन एयर विद रीवा कुमार. हाँ जी नमस्कार जी, आई बीन लिसनिंग टू यू रीवा कुमार जी. हाँ जी नमस्कार जी. नमस्कार जी, मुझे वगैरह नहीं टाक इन इंग्लिश, आई कैन डू बेटर. सी बट आई बीन हियरिंग यू एंड आई नो फ्रेंड्स दोज हू हैव मेड ह्यूज चेंजेस टू देयर हाउसेज एंड हैव ऑल सॉर्ट्स ऑफ प्रॉब्लम्स एंड आई आस्क व्हाई द हेल यू डू दिस, इट विल बी वर्स. बट हियर इन यूएस एंड आई एम श्योर वी आर ऑल हियर हिंदुस्तान की अपनी गरीबी दूर करने आ गए रिगार्डलेस ऑफ व्हाट वी डू. हियर द बेस्ट हाउसेज आर इन कल्डिसैक विच इज इन सर्को somewhere the traffic is less regardless of what the direction is, or if they have a view they have a higher value. Now my question to you is, you say this scientific, that scientific, have you lived in the worst house you can think of or in the best house, in two houses say 25% bad, 50% bad, where you will find that it actually happened to you that you can a dry line. So the two points are in the straight line. That way you will have a curvilinear or quadratic function. Go ahead answer, I won't say anything more. दैट्स वेरी गुड. आपने बिल्कुल सवाल कहा कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि चाहे वो हमारा इंडिया है, चाहे वो अमेरिका है या वर्ल्ड का कोई भी हिस्सा है. जी हाँ, मैंने बहुत घर देखे और मैं आपसे खुद ये बताना चाह रही हूँ कि इवन फॉर माई ओन सेल्फ, ये मेरी अपनी जिंदगी के तजुर्मे में भी है कि अगर सही डायरेक्शन नहीं थी, जब आज से अगर मैं 30 साल पहले अपनी लाइफ को रिवाइंड करती हूँ, 30 साल पहले चली जाती हूँ, तो अगर वो प्रॉपर डायरेक्शन में नहीं थी तो आई लॉस्ट एवरीथिंग. और जब मैंने प्रॉपर डायरेक्शंस में आई तो मेरे को सब कुछ पाया. यहां पर भी मैं देखती हूं, चाहे वो अमेरिका है, चाहे कनाडा है, चाहे लंदन, आई विजिटेड ऑल द प्लेसेस एंड आई सॉ कि कहां कहां पर अगर नेगेटिविटी है. तो उसमें ये मत सोचिए कि अगर आपको सपोज कर लीजिए, मैं एक एग्जांपल दे रही हूं, एक घर है, नॉर्थ फेसिंग घर है, नॉर्थ ईस्ट फेसिंग घर है, दैट्स वेरी गुड. उस घर के बीच में वी आर गेटिंग द कॉस्मिक एनर्जी. आपको पहले 521 मंथ्स में आपको बहुत फायदा होगा, आपको थर्ड ईयर में बहुत फायदा होगा, लेकिन फिफ्थ ईयर में आप देखेंगे कि आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई स्ट्रेस आ गई या कहीं पे आपका कहीं देख ग्रोथ रुक गई. इट मीन्स कि जब उसके मैं आगे चलकर देखती हूं, क्योंकि उसका साउथ वेस्ट, उसका ग्राउंड लेवल उसका बिल्कुल कम था, उसका नीचे की तरफ था, प्लस ही साउथ वेस्ट के बीच में वाटर का स्विमिंग पूल था, सेकेंड द सेंटर ऑफ घर का उसका डिप्रेस था.
इसकी वजह से दीज आर द थ्री रीजंस कि जिसकी वजह से उनको इमीडिएटली नुकसान आना शुरू हो गया, क्योंकि उसका अपना एक समय जो होता है स्टार्ट हो जाता है, आपको अर्न करेंगे लेकिन साथ ही साथ आप उसके बाद नीचे आ जाएंगे। अगर हमारे साउथ वेस्ट फेसिंग घर होते हैं, नॉर्थ की तरफ में अगर हमारे पास में स्विमिंग पूल है, तो आपको क्या होगा कि स्टार्टिंग के 21 मंथ्स में प्रॉब्लम आएगी लेकिन उसके बाद में आपको नुकसान होना शुरू हो जाता है। लेकिन नॉर्थ का अगर जो स्विमिंग पूल है वो आपको थोड़ा बचा देता है, आपको फायदा देता है। सो वी हैव टू सी अकॉर्डिंग टू डायरेक्शंस। अगर हम ये बोलें कि हमारे को 100% अकॉर्डिंग टू वास्तु घर पे मिलता है, जी नहीं, ऐसा नहीं है, 100% नहीं मिलता। लेकिन एटलीस्ट हम अगर वहां पर अगर हमारे 10 में से अगर मैं लेती हूं, अगर मेरे पास में 3 मार्क्स भी हैं, मैं देर मिल रहे हैं, तो 7 को आई कैन रेज दैट लेवल। मैं 3 से उसको 6 तक लेकर आ सकती हूं विद द हेल्प ऑफ डिवाइन टूल्स विदाउट डूइंग रीमॉडलिंग रिकंस्ट्रक्शन। लेकिन यू हैव टू फॉलो देम प्रॉपरली। आपको जैसे कि आप अपने देखिए, अगर आप गाड़ी भी ड्राइव कर रहे हैं, कार भी ड्राइव कर रहे हैं, तो दैट कार ऑल्सो नीड्स, उस कार को जरूरत है। किसकी जरूरत है? एयर की भी जरूरत है, नहीं तो गाड़ी पंचर हो जाएगी। वाटर की भी जरूरत है, फायर की भी जरूरत है, उसी से ही वो गाड़ी चल रही है, अदरवाइज आप गाड़ी ड्राइव नहीं कर सकते। यही आपकी अपनी लाइफ, अपनी एक ह्यूमन बीइंग का शरीर भी है और उसी तरीके हमारी ड्वेलिंग जहां हम रहते हैं वो भी है। आपने बोला कि भारत की गरीबी अगर देखा जाए तो भारत की गरीबी नहीं थी, या उसका रीजन अगर आप देखें तो नॉर्थ इंडिया की तरफ देखें, नॉर्थ इंडिया में अगर हमारा वाटर वहां होता जो कि साउथ में सी है, अगर साउथ वाला सी अगर इंडिया भारत के नॉर्थ की तरफ चला जाता और हिमालय जो नॉर्थ का वो साउथ की तरफ चला जाता, तो कभी भी ये प्रॉब्लम्स नहीं आती। आज भी अगर आप नॉर्थ इंडिया की तरफ देखते हैं, ड्यू टू हिमालयस होने की वजह से वहां पर ज्यादा कहीं पे क्या होती है कि गरीबी या भूख मरी आ जाती है। रीजन क्या है? क्योंकि वहां पर हमारी एनर्जी को ब्लॉक हो रही है। So we have to balance it properly। तो मेरी आपसे यही, मैं तो यही कहना चाहूंगी कि जितने भी घर है अगर हमारे को 100% हम वास्तु अगर चाहते हैं तो हम अपना लॉट प्रॉपर लेके उसको बिल्टअप कर सकते हैं, या अगर वो 100% वास्तु नहीं है, 10% भी है तो 10% का 90% अगर नहीं तो एटलीस्ट आप उसको 50% अगर आप वास्तु प्रिंसिपल्स को एड करेंगे तो 60% पे लेके आप पूरा उसका रिजल्ट पा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर क्वेश्चन सर। रेवा जी से इतना कुछ जानने को मिला इसीलिए, पर हमारे साथ और एक कॉलर जुड़ चुके हैं एंड लेट्स टेक हर ऑन एयर। हेलो, यू आर लाइव ऑन एयर विथ रेवा कुमार। हाय रेवा जी, नमस्ते। मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ जी। मेरा घर नॉर्थ की तरफ फेस करता है जी। तो वाटर फाउंटेन मैंने डोर के पास रखा था, तो वाटर फाउंटेन क्या घर में रखना चाहिए और अगर रखना चाहिए तो उसका कौन सा डायरेक्शन अच्छा होता है? वाटर फाउंटेन बहुत रखना चाहिए। सबसे पहले तो देखेंगे अगर आप घर के अंदर रखना चाहते हैं तो आप जैसे ही एंटर हुई हैं घर के नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट के पास में वाटर फाउंटेन का रखें, छोटा रखें, दैट्स वेरी गुड। आपका लिविंग रूम में रखिए। आप अगर आप घर के बाहर लगाना चाहते हैं, बड़ा फाउंटेन लगाना चाहते हैं, तो आपको कहां लगाना है? इफ यू आर गोइंग आउटसाइड फ्रॉम द हाउस तो एक्सट्रीम राइट पे नहीं ही लेके चले जाइए, मीन्स कि थोड़ा राइट के बीच में ले जाइए। आप देखिए कि अगर नॉर्थ को फेस कर रहा है, यू आर स्टैंडिंग एट द एंट्रेंस, तो आपके राइट हैंड पे जहां पे भी आपका फ्रंट लॉन है वहां पे आप बड़ा फाउंटेन लगा सकती हैं। कहाँ चाहिए, क्या फायदे हैं और किधर रखना चाहिए? दोनों जगह फायदा है। आपके घर के अंदर में भी लगाइए छोटा, अगर बाहर जगह नहीं है तो घर के अंदर लगा दीजिए, अगर बाहर जगह है तो घर के अंदर नहीं लगाइए, एक जगह पे लगाइए, कहीं पे भी लगाइए, बट इट शुड बी इन द नॉर्थ एंड द नॉर्थ ईस्ट। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। लेते अगले कॉलर। हेलो, यूर लाइव ऑन एयर विथ रेवा कुमार। अगर फिशेज रखनी हो तो कहाँ पे रखनी चाहिए? देखिए, अगर हाँ जी, अगर आपको फिशेज रखनी है, हम 3 जगह पे फिशेज ले सकते हैं। आप ध्यान से उसको, मैं सभी लिसनर्स को बोलूंगी कि बहुत ध्यान से सुने। अगर आपका छोटा सा फिश एक्वेरियम है जिसमें आप 2 गोल्ड फिश रखते हैं, 1 ब्लैक फिश रखते हैं, तो वो आप घर के नॉर्थ ईस्ट में रख सकते हैं। अगर आपको पैसे की कहीं पर आप सोचते हैं कि मनी से रिलेटेड आपका कोई इश्यू है, यू वॉन्ट टू ग्रो योर मनी, तो आप अपने घर में नॉर्थ ईस्ट में रख सकते हैं 2 गोल्ड फिश और 1 ब्लैक फिश का छोटा फिश एक्वेरियम। नेक्स्ट आ जाता है, साथ ही
हकीकत में अगर हम देखते हैं कि वी आर वर्किंग वेरी हार्ड लेकिन हमारा काम नहीं चल रहा या हमारा बिजनेस ग्रो नहीं कर पा रहा है, घर से बिजनेस कर रहे हैं या कोई बिजनेस की ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है, तो आप अपना साउथ ईस्ट में भी रख सकते हैं। वो फिश एक्वेरियम अगर आप रखेंगे साउथ ईस्ट में तो वहां पर आप 5 गोल्ड की फिश प्लस 1 ब्लैक फिश रखेंगे। साथ में पर्टिकुलर उस एरिया में साउथ ईस्ट में रखिए, घर के लिविंग रूम में। फिश एक्वेरियम जहां पे भी रखा जा सकता है, इट शुड बी ऑलवेज इन द फिश एक्वेरियम, इट शुड बी ऑलवेज इन द लिविंग रूम। आप जहां पे फैमिली रूम है, लिविंग रूम है, वहां रखें। साउथ ईस्ट में रखेंगे तो उसमें रेड लाइट जरूर होना चाहिए ताकि हीट एनर्जी को मिले। हीट हमारी एनर्जेटिक होगी, हीट अपनी जगह लेगी तो हमारे को रिजल्ट मिलेंगे। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिश एक्वेरियम अगर आप बड़ा रखना चाहते हैं उसमें आप 8 गोल्ड की फिश रखिए और 1 ब्लैक फिश। ये फिश आप अपने घर के लिविंग रूम के फैमिली रूम के साउथ वेस्ट में रखेंगे। साउथ वेस्ट जमीन, क्योंकि जब हमने पानी वाला बड़ा फिश एक्वेरियम रखा तो नेचुरली हमारा साउथ वेस्ट हैवी हो गया। आपको घर के साउथ वेस्ट कॉर्नर में नहीं रखना। कई बार मैंने देखा कि किसी ने एडवाइस किया, देखा उनके कि साउथ वेस्ट, घर के साउथ वेस्ट कॉर्नर में उन्होंने रखा। जी नहीं, आप अपने लिविंग रूम के साउथ वेस्ट कॉर्नर में रख सकते हैं, उसको एलिवेट करने के लिए, उसको हैवी करने के लिए। अगर आप सोचते हैं कि अगर आपके घर में कोई किसी की नजर लग जाती है या कहीं पे आप नेगेटिव महसूस करते हैं या डिप्रेशन महसूस करते हैं, उससे बचने के लिए। दैट इज सो वंडरफुल। यू नो रेवा जी, ऐसा नहीं होता है कि कभी कभी हमें लगता है कि ये जितने सारे वास्तु प्रिंसिपल्स हैं, अगर मानो कि हमने घर ले लिया जी और घर में जाके हमने देखा कि इट इज 100% वास्तु नो अप्रूव्ड, तो फिर तो कितना मजा आ जाएगा, है ना? ऑफ कोर्स। और अब ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि अब हमारे साथ में हैं टू रियल एस्टेट गर्ल्स। एग्जैक्टली, और इसीलिए तो टू रियल एस्टेट गर्ल्स के पास से अगर आप वास्तु अप्रूव्ड हाउस खरीदना चाहते हैं तो यू नो होम टू कॉल 9252022806। और अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं वन ऑफ द टू रियल एस्टेट गर्ल्स, द वेरी वंडरफुल किम। पर किम से बातें तो करेंगे ही, उसके पहले क्यों ना हम अपने स्पॉन्सर्स के बारे में थोड़ा बहुत स्पॉन्सर्स का धमाका देना तो बहुत जरूरी है। किम सॉरी, आई विल कीप यू ऑन वेट फॉर अ फ्यू मोर सेकंड्स। स्पॉन्सर के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो मिर्च मसाला, अमेजिंग फूड, सिजलर्स, ओ माय गॉड, मुंह में पानी आ जाता है। और अगर आप भी जाना चाहते हैं मिर्च मसाला तो इट इज 80 रैंच ड्राइव मिलपीटर्स। फोन करने के लिए नंबर ले लीजिए 4089568468 एंड यू कैन विजिट मिर्च मसाला milpeaters.com। शालीमार में अगर आप जाते हैं तो एक बहुत ही अमेजिंग वहां पे यू नो इवेंट होने वाले हैं, बहुत ही अमेजिंग, स्पेशली हमारे पंजाबी जो भाई बहने हैं ना यहाँ पे, वो तो खुश हो जाएंगे क्योंकि लोहड़ी सेलिब्रेशन हो रहा है वहां पे। दैट विल बी इन द शालीमार सनीवेल, राइट? वैसे तो उनके जो खाना है वो तो अमेजिंग है ही, साथ ही साथ लोहड़ी का त्योहार भी आप वहां पे मना सकते हैं। तो मेरे सभी लिसनर्स, हमारे सभी लिसनर्स, यू ऑल आर इनवाइटेड टू सेलिब्रेट लोहड़ी एट शालीमार सनीवेल। और वहां पे यू नो बॉन जनवरी, हाँ जनवरी 12 बॉन फायर होने वाले हैं, लाइव डीजे म्यूजिक होने वाले हैं और भंगड़ा डांसर्स भी होने वाले हैं। ये जो इवेंट है ये तो आप मिस कर ही नहीं सकते। वहां पे वेज बफे है, नॉन वेज बफे है एंड फॉर अ वेरी वेरी लो प्राइस। यस, गो देयर, एंजॉय योर लोहड़ी। अगर आप पंजाबी नहीं भी है, जैसे कि मैं पंजाबी नहीं हूं बट फिर भी मैं आऊंगी। यू ऑल आर इनवाइटेड, हमारी सभी टू सेलिब्रेट विद अस, राइट? और अगर आपने अभी तक इसके बारे में आपके पास ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है तो यू कैन कॉन्टेक्ट मो पुलानी एट 9252855565 एंड रिजर्व योर सीट देयर। एंजॉय द अपकमिंग लोहड़ी फेस्टिवल 12th ऑफ जनवरी, डोंट मिस दैट डेट एट 7 पीएम। और यू नो लोहड़ी देखने के लिए हम तो जाते ही, काफी बार हम सोचते हैं कि हम ज्यादा कुछ घूम के भी आए, जैसे कि कैसा होगा अगर हम एकदम पिरामिड के ऊपर बैठ के हम चाय पिए, है ना? ऐसा वैसे हो नहीं सकता है, पर फिर भी मैं आपको बताऊं, पिरामिड के नीचे बैठ के चाय, नीचे बैठ के, हाँ ऊपर बैठना मतलब मेरी क्रेजी इमेजिनेशन में ही बस हो सकता है। पर आप फ्रांस में जाके वाइन टेस्टिंग तो कर ही सकते हैं और इटली में जाके कलिनरी वेकेशन भी आप ले सकते हैं। तो ये सारे के सारे जो टूर्स होते हैं ना, इसके लिए बहुत ज्यादा प्लानिंग करना पड़ता है। रिवा जी, मुझे पता है आजकल आप प्लानिंग बिल्कुल नहीं कर रहे हो क्योंकि आपके साथ अब है क्लाउड एंड सी, दे आर द ट्रैवल जिनी। और जिनी इसलिए क्योंकि एकदम लैम्प से निकल के आपके पास आ चुके हैं
क्लाउड एंड सी जलपा शाह के साथ आप जरूर एक कॉन्टेक्ट कीजिए एंड बुक योर नेक्स्ट ट्रैवल, क्योंकि दे आर द यू नो ट्रैवल प्लानर फॉर यू एंड दे आर गोइंग टू गिव यू, अगर आप चाहेंगे तो आपको $25 का अमेजन का दे विल गिव यू. But then they have to mention your name, right? Yes, of course. Of course. So Divine Vastu aur Reva Kumar ke baare mein baatein kijiye and get $25 Amazon gift card. Jalpa Shah, agar aap inke saath ek appointment fix karna chahte hain ya fir Cloud and Sea ke baare mein aur bhi zyada jankari chahte hain, zarur check kare cloudsandsea.com. To chaliye sponsor ke baare mein baatein kar liya hai aur wahan pe hamare one of the most irresistible real estate girls jo hai किम हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन्हें और इंतजार नहीं कराएंगे क्योंकि शी इज अ स्वीट हार्ट, लेते हैं उनको ऑन एयर. किम वेलकम टू द शो, हाउ आर यू डूइंग टुडे? हाय मिनी, हाय रेवाजी, आई एम डूइंग वंडरफुल, हाउ आर यू डूइंग? यस वी ऑल आर फाइन एंड रियली एंजॉयिंग विथ यू, हाउ आर यू? How are you both? I am doing great. I'm doing great. Yeah, actually I'm by myself right now. Paula was at an appointment, so she wasn't able to make it on air. But definitely next week she will. Oh, that's good. That sounds good. तो किम, गो अहेड किम. हाँ जी, हाँ जी, बोलिए, आप क्वेश्चन बोलिए पहले. मैं तो यही पूछना चाहती थी कि वास्तु अप्रूव्ड होम, ऑसम ऑसम यार, आई मीन लाइक यू गाइज आर एनी वेज ऑसम नाउ. तो उसपे और एक एक्स्ट्रा पालक आपने लगा लिया है ना? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा मैंने बहुत सारे लोग यू नो अभी रिसेंटली बहुत सारे लोग जितने भी क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं, पहला क्वेश्चन उनका यही होता है कि नॉर्थ फेसिंग का होना चाहिए, ईस्ट फेसिंग का होना चाहिए, जो भी यू नो अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शंस. एंड आई हैव लर्न अबाउट डायरेक्शंस नाउ. And I want to tell my all of our listeners, my listeners, Devaji's listeners, that we do have property in Concord that is north facing, and it is according to the vastu. And then recently, Kim, abhi aapke paas mein recently kahan par hai jo bhi aap according to vastu aapke paas mein availability hai? Mere paas abhi one property in Concord mein hai, aur ek property jo hai wo hai Denver mein. That's very good. So listeners, we have one in Oakland, but that is not actually ready to be in the market yet. But two are from there according to the vastu, and Denver is very, very, very desirable area. You know, a lot of people they do go for school district. It's a wonderful. Yes, I remember. You have showed me this plan. इसको properly check किया हुआ मैंने plan को. I remember this. वेल किम, ये बताइए कि अब आप ना, आप दोनों मिलके एक्चुअली हमारे लिसनर्स के लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है घर को लेके वो तो सॉल्व करने वाली है, क्योंकि ये आपका भी फैन होते हैं, रेवा जी का भी होता है, हमेशा सोचते हैं कि घर में ऐसा क्या किया जाए जो वास्तु अप्रूव्ड हो, एंड नाउ दे आर एक्चुअली गेटिंग बने बनाया घर. इवन वी आर डिस्कसिंग अबाउट द लॉट्स ऑल्सो विद द किम एंड पौरा, इफ यू नीड एनी वन ऑफ देम, दे नीड लॉट, तो उसको कैसे वास्तु के मुताबिक बनाया, उसमें भी दे पीपल आर हेल्पिंग अस. साथ ही साथ नॉट ओनली फॉर द रेजिडेंस पर्पज, इवन फॉर द बिजनेस लॉट्स ऑल्सो, फॉर द कॉर्पोरेट. वी आर डूइंग कमर्शियल प्रॉपर्टीज भी हम कर रहे हैं, रेस्टोरेंट का भी कर रहे हैं, घर और लॉट्स का भी कर रहे हैं. दे आर ऑल यू नो वास्तु अप्रूव्ड, सो एनीबडी हु इज लुकिंग फॉर अ प्रॉपर्टीज एंड दे वांट टू मेक श्योर बिफोर दे मूव इन एंड इट इज ऑलरेडी यू नो वास्तु अप्रूव्ड, they can definitely give us a call. And that, you have the number. And there is one more thing I would like to share with my listeners, Kim, that if suppose there is any defect according to the Vastu principles, that can be properly rectified before giving to them. If they want to buy, it will be properly rectified. Definitely, दैट इज वंडरफुल. तो रेडियो जिंदगी लिसनर्स, अगर आप भी ऐसे ही वास्तु अप्रूव, आपको प्रॉब्लम नहीं रहेगा कि साउथ फेस्ट वेस्ट फेसिंग, जैसे कि मैं मना करती हूँ कि नहीं है या प्रॉब्लम्स लेता है, अब आप बिल्कुल इंजॉय कर सकते हैं, चाहे वो साउथ वेस्ट हो, चाहे वो कहीं भी हो, इवन कि अगर साउथ वेस्ट में स्विमिंग पूल भी है, उसको प्रॉपर रेक्टिफाई करके उस प्रॉपर्टी को कीमत वाला दे रहे हैं, ताकि हमारे बायर्स को, हमारे जितने भी हैं, उनको किसी भी तरह की कोई भी वहां पे जाते स्ट्रेस नहीं, कभी भी नहीं जाते भी नहीं, कभी भी स्ट्रेस नहीं होना चाहिए. उसके में बकायदा पहले ही हमारे डिवाइन टेक्निक्स करके टूल्स को लगा के दिया जाता है, तो दे डोंट हैव टू गो हियर एंड देयर अगेन. तो नाउ दैट यू हैव यू नो, वो स्ट्रेस भी होकर मूव हो सकते हैं. तो ये जो स्ट्रेस का लेवल है, आपने तो वैसे ही
कम कर ही दिया है, मैं और भी थोड़ा कम कर देती हूँ बाय गिविंग ऑफ द नंबर्स। किम और फाला के साथ अगर आप कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं फॉर योर नेक्स्ट वास्तु अप्रूव्ड प्रॉपर्टी, द नंबर है 9252022806, या फिर जरूर चेक करें न्यूमेरिक टू रियल एस्टेट गर्ल्स। एंड इन द बे एरिया देयर ओनली द वन हु आर हैविंग द वास्तु अप्रूव्ड प्रॉपर्टीज। ओके, जरूर चेक करें टू रियल एस्टेट गर्ल्स। वेल, मुझे कोई बात करने का मौका ही नहीं दे रहा है। नहीं, अभी आपका टाइम है, आपको बिल्कुल मौका दिया जाएगा। नहीं, मौका देते हैं। चलिए, वैसे मैं ही सबसे ज्यादा बातें कर लेती हूँ, तो tourealestategirls.com जरूर विजिट कीजिए एंड साथ ही साथ जरूर विजिट कीजिए divinevastu.net। थैंक यू सो मच किम फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच रेवा जी, थैंक यू सो मच एंड हैव अ हैप्पी Evening for all the listeners. Definitely, you too and take care. Well, ये थे हमारे साथ किम from the two real estate girls. रीवा जी, this is actually a wonderful initiative. है ना? बिल्कुल, ऑफ कोर्स, क्योंकि रिनी ऐसा हो जाता है कि जिस टाइम हम लोग लॉट्स लेते हैं या आफ्टर इफ दे आर हैविंग द फेथ इन वास्तु, और जैसे कि अभी हमारे से एक कॉलर बात कर रही थी कि प्रॉपर्टीज, जी हाँ बिल्कुल, इट इज राइट कि रियल स्टेट आप जाते हैं प्रॉपर्टीज लेने के लिए, कई बार हम लोग निराश हो जाते हैं, ओ नो हमने ऐसा सुना था, लेकिन अगर वो साउथ वेस्ट है तो उसके सामने पूरा प्रॉपर रेक्टिफाई करके अगर आपको पसंद आता है तो दीज टू एक्सपर्ट गर्ल्स विल गेट इट रेक्टिफाई फ्रॉम मी। बाकायदा ये डिवाइन वास्तु से उसको रेक्टिफाई करके उस लॉट को पॉजिटिव कर आपको देंगे, ताकि आपको कहीं पे भी कोई किसी किस्म का स्ट्रेस नहीं रहे। वेल, स्ट्रेस तो नहीं रहेगा, क्योंकि अगर कोई भी प्रॉब्लम है वास्तु रिलेटेड तो यू कैन सॉल्व इट विद द डिवाइन वास्तु कंसल्टेंट, वेरी एक्सपीरियंस, वेरी क्वालिफाइड, ऑनर्ड बाय प्रेसिडेंट ओबामा, रेवा कुमार के साथ। और एक अपॉइंटमेंट फिक्स करने के लिए नंबर है 5108683338, या फिर जरूर चेकआउट करें divinevastu.net। वेल रेवा जी, ज्यादा टाइम नहीं है, पर टिप्स तो चाहिए। जी हाँ बिल्कुल, देना चाहेंगे, एंड दैट इज रिलेटेड विथ आवर मनी एंड फाइनेंसेस, क्योंकि बहुत जरूरत होती है हर किसी को, बिना इसके तो चलता ही नहीं गाड़ी। सो पीपल हु हैव इनकर्ड हैवी लॉसेज इन देयर पास्ट एंड आर कॉन्स्टेंटली वरीड अबाउट लॉसेज कैन कीप plants and grains in their toilet area, because this is symbol that growing things would help in spreading the energy and would eventually stop your financial losses. वेल, दैट इज रियली वंडरफुल, क्योंकि फाइनेंशियल लॉस जो है वो हम में से कोई भी नहीं करना चाहते हैं, और इसीलिए तो हर किसी को चाहिए लॉट ऑफ मनी, लग्जरी लाइफ। यू नो, लोगों को प्यार चाहिए या नहीं चाहिए, पैसा तो सबको चाहिए। आई वंडर व्हाई, मुझे प्यार चाहिए, पैसा नहीं चाहिए। वेल, चलो ये सारे बातें बताने के लिए बहुत ही अमेजिंग होते हैं, बट रियलिटी इज वेरी डिफरेंट। तो अगर आप रियलिटी में आना चाहते हैं और सही वास्तु जो दिशाएं वो आपके लाइफ में लाना चाहते हैं, देन सही पर्सन कौन है? ऑफ कोर्स डिवाइन वास्तु के रेवा कुमार, और उनके साथ एक अपॉइंटमेंट फिक्स करने के लिए आपको क्या करना होगा? इट इज वेरी इजी, यू कैन कॉन्टैक्ट हर बाय कॉलिंग अप 5108683338, आई रिपीट 5108683338, या फिर आप उन्हें ईमेल कर सकते हैं divineavc@gmail.com। साथ ही साथ अगर आप रेवा जी के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं, जो आप हमेशा करते रहते हैं, डेफिनेटली चेकआउट divinevastu.net। रेवा जी हमेशा आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग डिवाइन वास्तु टिप्स लेके आते हैं, और आज भी इन्होंने बताया कि फिनेंशियल जो फील्ड है उनमें अगर आप कुछ कर दिखाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा। ऐसा ही बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके फिर से हम रेवा जी के साथ बातें करेंगे नेक्स्ट वेडनेसडे मॉर्निंग 10:30 to 11, एंड ऑफकोर्स नेक्स्ट थर्सडे सेम टाइम, यानी कि 2 to 4 डिवाइन वर्ल्ड ऑफ एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी, पहले 2 to 3 विथ रितेश कुमार, एंड 3 to 4 द डिवाइन वर्ल्ड ऑफ वास्तु। मिस मत कीजिए, इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। जाते जाते रिवा जी, क्यों ना आपसे थोड़ा सा ब्लेसिंग हम सब लिसनर्स के लिए दे दे। जी हाँ, हमेशा की तरह मेरी यही ब्लेसिंग्स है, ऑलवेज रिमेम्बर लिविंग इन हार्मनी विद द अर्थ, एंड इफ देयर इज एनी रीमॉडलिंग रिकंस्ट्रक्शन, नथिंग टू वरी, डिवाइन वास्तु इज देयर टू टेक केयर। मे गॉड ब्लेस all of you with the best
on the earth, prosperity, health, wealth, fame, each and everything, whatever you wish for your own self. May God bless all my listeners. That is wonderful. इसी के साथ ही साथ आज के लिए तो बस इतना ही. फिर से याद दिला दूं, अगर आप रीवा जी के साथ कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं, नंबर है 5108683338, ईमेल है divineavc@gmail.com. और अगर आप इनके बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं, एक्चुअली ज्यादा से ज्यादा जानकारी चाहते हैं, डिवाइन वास्तु टिप्स लेना चाहते हैं, अबाउट रेवा कुमार आप जानना चाहते हैं, तो फिर जरूर चेक कीजिए divinevastu.net. तो चलिए बस इतना ही. खुश रहिए, फिट रहिए, घूमते फिरते रहिए. हार्मोनाइज योर लाइफ विद द प्रिंसिपल्स ऑफ वास्तु शास्त्र एंड मेक एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ a celebration. With Vastu, life becomes an utsav. Visit divinevastu.net. Dr. Reva Kumar, your Vastu specialist.